गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ कैमरस एकेडमी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या मेरी वॉइस मतलब ऑडियो और वीडियो क्लियर है? प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, इज एवरीथिंग क्लियर? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? बताइए जरा, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? राइट इन द चैट बॉक्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, समबडी इज राइटिंग येस। ओके ओके, गुड। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने कोशिश की, बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे, तो मैंने कोशिश की कि चलो एनसीईआरटी से शुरू किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू किया जाए, और क्यों ना सीधा टू द पॉइंट बात की जाए उन टॉपिक्स के बारे में, उस चैप्टर के बारे में और उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे क्योंकि वही पूछा जाना है और जो मैं कह रहा हूँ वही एग्जाम में आना है। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। हमारे सामने ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक शुरू है, खुल गई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। जैसा कि ये बुक सबके पास है ना, सबके पास ये बुक है, और जैसा जैसा मैं बताता जाऊं बस वो आपको करते जाना है, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं बस वही करते जाइएगा, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द यू विल कम टू नो, एवरीथिंग बिकम्स ईजी। बस यही करते जाना है, जो जो मैं कहता जाऊं बस वही करते जाना है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से शुरू कर रहा हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में जो कि पहली यूनिट हमारे पास है, और ये फंडामेंटल है, ये बेस है, ये अगर किसी ने ठीक से कर ली ना, तो इसके बाद सारी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में है। कैसे, ज़रा देखना। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे हम, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या है। इसमें हमें जिन बातों पर फोकस करना है, पूरी पूरी यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में देखेंगे। और इसमें देखिएगा कि हम पहले बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोरामफेनिकॉल। अब ये क्लोरामफेनिकॉल क्या है? क्लोरामफेनिकॉल यहाँ पे लिखा है कि एक एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल है, एक एंटीबायोटिक। देखो, और ये असल में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक जो होती है क्लोरामफेनिकॉल, ये याद रखना है। कभी कभी वो एग्जाम में क्या करते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि क्लोरामफेनिकॉल इनमें से क्या है, तो हम ध्यान रखेंगे कि वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन में हमने पढ़ा था, एंटीबायोटिक है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ये ध्यान में रखना है कि ये लिखा है, देखो, गोएटर,
और इसके लिए जो हार्मोन उन्होंने लिखा है वो लिखा है थायरोक्सिन। ये कुछ की पॉइंट हैं हमारे पास। की पॉइंट क्या है? एक तो क्लोरम फेनिकॉल, ठीक है बच्चों, एक तो क्लोरम फेनिकॉल, दूसरा है थायरोक्सिन। ओके, दूसरा थायरोक्सिन कहाँ इस्तेमाल होता है? तो देख लो, डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डिजीज हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा। इसके अलावा जो ध्यान में रखना है हमें, क्लोरोक्वीन ये किस में इस्तेमाल होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। पूरा नहीं पढ़ना, उसमें से सिर्फ ये पॉइंट पढ़ने जो जो मैं बता रहा हूँ। क्लोरोक्वीन क्या है? क्लोरोक्वीन, तो क्लोरोक्वीन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इस्तेमाल होने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। बस ऐसे पढ़ते जाना है हमको, बस ये हमको पढ़ना है। एक यहाँ लिखा है हेलोथेन, हेलोथेन भी लिखा है, देखो हेलोथेन। अब ये हेलोथेन क्या होता है? तो एनेस्थेटिक होता है हेलोथेन। हेलोथेन क्या है? एनेस्थेटिक है, सर्जरी में यूज़ होते हैं। एनेस्थेटिक क्या होता है? तो एनेस्थेटिक होता है जो बेहोशी, बेहोश करने के काम आता है। एनेस्थेटिक जो बेहोश करने के काम आता है। बस इतना पढ़ना था, ये पहले पेज से बस इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है देखना। इसके बाद आगे बढ़े हम, और हमें बात करनी है सीधा क्लासिफिकेशन की, ठीक है बच्चों, सीधा क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अब क्लासिफिकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो क्लासिफिकेशन, अगर हम कभी भी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कई बेसिस हमारे पास हैं। अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का, तो कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिस हमारे पास हैं। पहला जो है, सबसे पहला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम हैं। अब ये तो हमेशा से सुन रहे हो ना, एक हेलोजन एटम तो मोनो, दो हो जाएगा तो डाई, तीन हो जाएगा या तीन से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉली कह देंगे। तो देखिए, पहले हमने कैसे क्लासिफाई किया? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। एक है तो मोनो, एक हेलोजन है तो मोनो कह देंगे, दो हैं तो डाई कह देंगे, और तीन या तीन से ज़्यादा हैं तो पॉली हेलोजन। मतलब ये जो है ये मोनो हेलो है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? मोनो हेलो, मोनो हेलो एल्केन है ये। इसमें दो है ना हेलोजन, तो ये डाई हेलो एल्केन है। इसमें तीन हेलोजन है तो ये ट्राई हेलो एल्केन। ओके, इसी तरीके से ये हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन, लेकिन कौन सी? मोनो वाली। ये भी हेलो एरीन, ऑब्वियसली डाई वाली, दो है ना, एक हेलोजन ये, एक हेलोजन ये, दो हैं तो डाई हो जाएगी, और तीन होंगे तो ट्राई हो जाएगी या फिर पॉली हो जाएगी। तीन या तीन से ज़्यादा हेलोजन एटम अगर होंगे तो उसे पॉली कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, क्लासिफिकेशन जब मुझे करना होगा तो मैं पहला क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कर सकता हूँ कि हेलोजन एटम कितने हैं, ठीक है। एक होगा तो मोनो हेलोजन कह दूंगा, दो होंगे तो डाई हेलोजन कह दूंगा, और तीन या तीन से ज़्यादा होंगे तो पॉली हेलोजन। फिर देखो इन्होंने इन्होंने क्या किया उसके बाद, इसके बाद इन्होंने मोनो हेलो एल्केन को ही क्लासिफाई किया। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन आगे किसका है? मोनो हेलो वालों का। और उसमें पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कि वो जो कार्बन है, वो कार्बन जो हेलोजन एटम से अटैच्ड है। मोनो हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, ठीक है। जैसे इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है क्या, sp3 है या क्या है? इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो पहला ही लिखा है देखो, एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स IUPAC नेम है। हेलो एल्केन क्या है? IUPAC नेम, हेलो एल्केन IUPAC नेम है, और एल्काइल हैलाइड क्या है? उसका कॉमन नेम। अब देखना, अगर कभी हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लिसन इन अगेन, ऑल आई एम आस्किंग यू,
इफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन देन दैट काइंड ऑफ एल्केन विल बी कॉल्ड हेलो एल्केन. ओके, अगर कभी एल्काइल हैलाइड्स में ऐसा हो कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो उसको हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कह देंगे. ठीक हो गई इतनी बात? इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड उस तरह के मोनोहेलोजन कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन एटम, जो कि ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, देखो ये कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम जो हेलोजन से अटैच्ड है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब एक्स, ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो एल्काइल हैलाइड होगा या हेलो एल्केन होगा. तो चैप्टर का जो नाम है ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उम्मीद है उसमें से हेलो एल्केन्स बात तो क्लियर हो गई होगी. हेलो एल्केन्स का मतलब है कि हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए. अगर है ऐसा तो उस तरह के हेलो कंपाउंड्स को, हेलोजन कंपाउंड्स को एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स कह देंगे. फिर बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन्स हैं, कैन दे बी क्लासिफाइड, क्या इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है? क्या एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो आंसर है यस, हो सकता है. हो सकता है, देखना कैसे हो सकता है, कि अगर वो वाला कार्बन, दैट कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, देखना, अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, जैसा कि ये वाला कार्बन देखना, ये वाला कार्बन जिससे ये हेलोजन अटैच्ड है, ये खुद कितने कार्बन से अटैच्ड है? ओनली वन कार्बन से अटैच्ड है. आर डैश का मतलब क्या है? आर डैश का मतलब एल्काइल ग्रुप. आर डैश का मतलब है एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3, जैसे C2H5, या कोई और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है. आर डैश का मतलब क्या है यहाँ पे? आर डैश का मतलब है एल्काइल ग्रुप. ठीक है भाई, अब इसके बाद हमको ये समझना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो एक कार्बन से अटैच्ड हो, सिर्फ एक कार्बन से, उस केस में उसको कहने वाला हूँ मैं, उस केस में उसको कह दूंगा प्राइमरी या वन डिग्री कह दूंगा, वन डिग्री हेलो एल्केन या वन डिग्री एल्काइल हैलाइड. अगर वो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है, अगर वो दो कार्बन से अटैच्ड हो, देखो एक कार्बन और दूसरा कार्बन है ना, दो कार्बन से अटैच्ड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी और या फिर टू डिग्री एल्काइल हैलाइड. यही है सेकेंडरी, यही है टू डिग्री एल्काइल हैलाइड. और अगर वो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है अगर वो तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको टर्शरी या फिर थ्री डिग्री हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड बोलेंगे. एक तरीके से तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब हेलो जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो या तो वो एल्काइल हैलाइड होगा, हेलो एल्केन होगा, या क्या हो सकता है? तो आगे देखते हैं कि वो क्या हो सकता है. तो वो क्या हो सकता है? या तो हेलो एल्केन या एलाइलिक हैलाइड. लेकिन एलाइलिक हैलाइड तब कहूँगा कि जब जो हेलोजन से कार्बन अटैच्ड है, हेलोजन से जो कार्बन अटैच्ड है, ये है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, बट दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन. मतलब ये कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन है. फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर कभी ऐसा हो, जैसे यहाँ देखना, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है. ठीक है, तो इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड. ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए,
हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ये कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है। ये वाला एग्जाम्पल ऑलरेडी CBSE बोर्ड में आ चुका है। लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन, दिस वॉज ऑलरेडी आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। हेलो, सुन रहे हो ना? ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है CBSE में। अब इसके बाद देखना बेंजाइलिक हैलाइड, इसके बाद देखिए बेंजाइलिक हैलाइड देखना, ये तीसरी कैटेगरी है। मोनोहेलोजन कंपाउंड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू विच ऑफ दैट कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। अब उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उस कार्बन का जो हेलोजन से अटैच्ड है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो वो फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला हमने एल्काइल हैलाइड देखा। पहला देखा एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट था एल्काइल हैलाइड्स। क्यों भाई? फर्स्ट था एल्काइल हैलाइड्स। दूसरा क्या है? दूसरा अभी अभी देखा एलाइलिक हैलाइड्स, है ना? और तीसरा अब देख रहे हैं तीसरा। यकीन मानिए कभी कभी तो क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आता है, और आ चुका है, नया नहीं है, ऑलरेडी आ चुका है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो अब इससे देखिए बेंजाइलिक हैलाइड से, कि बेंजाइलिक हैलाइड की अगर मैं बात करता हूँ उस कंडीशन में ये है बेंजाइलिक हैलाइड, तीसरी कैटेगरी है। और बेंजाइलिक हैलाइड में जो बात हमको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है बात ध्यान में, कि बेंजाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये कार्बन इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, मतलब ये कार्बन एरोमेटिक रिंग पे अटैच्ड है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए, तीसरी कैटेगरी बेंजाइलिक हैलाइड की, इसमें क्या करना है, जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, ये बेंजीन है, बेंजीन, इसमें जो कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं बच्चों इसको, बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन से अटैच हो जाए, अगर बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच हो जाए, तो तब इस केस को बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने ये कहा कि हेलोजन अगर जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उस कंडीशन में तीन तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ, या तो एल्काइल हैलाइड, या फिर एलाइलिक हैलाइड, और या बेंजाइलिक हैलाइड, जो कि अभी अभी देखा। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग है। आ रही इतनी बात समझ में? एक तरह का क्लासिफिकेशन हमने पूरा किया। मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइए क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। इज एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट आई एम मेकिंग? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, बताना बच्चों क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ओके ऑलराइट, ठीक है, इतने बच्चों को समझ में आ रही है। ओके फेयर इनफ, एवरीबडी इज गेटिंग, जो भी अभी तक बताया वो सबको समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ रहा हूँ, देखना, आगे बात कर रहा हूँ कुछ और। अब हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, और अब देखना, अभी जो हेलोजन से कार्बन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp3 नहीं है, पहले sp3 था, अभी sp2 है। तो sp2 वाला केस अगर हमारे पास हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखना बच्चों उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं। उस कंडीशन में जब वो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका, तो तब मैं या तो विनाइलिक हैलाइड्स बोल सकता हूँ, या तो विनाइलिक बोल सकता हूँ, या एराइल हैलाइड्स बोल सकता हूँ।
या तो विनाइलिक हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स। अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या है तो समझना, हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है, हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चे sp2 होना चाहिए, हेलो समझ पा रहे हो ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसा sp2 होना चाहिए। लेकिन ये कार्बन खुद डबल बॉन्डेड है, फिर से सुनना, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए और वो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन, तब ऐसे को बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। असल में विनाइल ग्रुप का मतलब क्या है ये भी जान लो, इसे बोलते हैं विनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं बच्चे विनाइल ग्रुप, ये है विनाइलिक ग्रुप, देख रहे हो। अब इस विनाइलिक ग्रुप पे कुछ भी अटैच हो सकता है, कुछ भी आगे अटैच हो सकता है, इतने को बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। ओके, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो खुद डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और देखिए, मैंने बनाई एक रिंग, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है ना, इसमें मैंने लगा दिया यहाँ डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैंने क्या किया, हेलोजन लगाया, हेलोजन, हेलोजन एक्स लगा दिया। ये जिस कार्बन पे अटैच्ड है ये कार्बन खुद डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज तो होना ही चाहिए पर ये खुद डबल बॉन्डेड है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। ओके, लेकिन एराइल हैलाइड्स क्या है, अब देखना ये एराइल हैलाइड क्या है, एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड को जानते हैं, एराइल हैलाइड को देखिए, एराइल हैलाइड को ही कहते हैं हेलोएरीन। याद आया चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स कौन है, हेलो एल्केन्स कौन है, हेलो एल्केन्स है एल्काइल हैलाइड्स, तो फिर हेलो एरीन्स कौन है, हेलो एरीन्स है एराइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन तब माना जाएगा जब कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 जो इससे पहले देखा, और हेलो एरीन्स तब बोलूंगा जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखना इस वाले को, देखिए इस वाले को, हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, देखना ये है बेंजीन की रिंग, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये है वो कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, बट दैट कार्बन इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग। इससे पहले बेंजाइलिक हैलाइड भी देखा था, आई हैव सीन सेवरल स्टूडेंट्स दे कीप ऑन गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड हेलोएरीन्स, देर इज नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक तो वो वाला sp3 उसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और अभी वाला जो चल रहा है हेलोएरीन्स इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, वहाँ बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पे अटैच नहीं था बेंजाइलिक में, यहाँ है, यहाँ बेंजीन रिंग के एरोमेटिक रिंग के सीधे सीधे कार्बन पे अटैच्ड है। ओके, अगर इतनी बातें आपको समझ में आती हों तो हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ रहे हैं आगे, देखना देखिए नॉमनक्लेचर की अगर बात की जाए, नॉमनक्लेचर देखो हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आना आता है तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है नॉमनक्लेचर, जो कि लगभग सभी को आता है नॉमनक्लेचर, है ना। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल साथ में लेकर चल लेता हूँ, जैसे मुझे इसका नाम लिखना है, मुझे इसका नाम लिखना है तो मैंने क्या किया, मैंने बस ये देखा कि इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन कौन सी है। ठीक है, आई हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन। ओके, दैट चेन मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज, वो चेन कॉन्टीन्यूअस भी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं नंबरिंग करूँगा, उसके बाद मैं कर दूंगा नंबरिंग, तो लो मैंने नंबरिंग शुरू करी, नंबरिंग शुरू करी यहाँ से, वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो, कोई साइड चेन पास पड़ती हो, और अगर दोनों हैं तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो 1 2 3, तो सभी को, सभी जानते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन IUPAC नेम ये हो जाएगा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3, तो 2 पे है ना क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे इसका नाम अगर मुझे लिखना हो, इस वाले का नाम अगर मुझे लिखना हो, तो देखो नाम कैसे लिख रहा हूँ मैं, पहले चेन लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिख रहा हूँ Cl।
जैसा कि मैंने कहा आई हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन। अब लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन आप देख ही पा रहे हैं, देख ही रहे हो सब लोग कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी, यही है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन। नंबरिंग कहाँ से करूँगा, वहाँ से करूँगा जहाँ से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिल जाए। अब वो कहाँ से मिल रहा है, मेरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो 2.3 का सेट बनेगा और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1.2 का बनेगा। और ये बात उम्मीद है सब लोग समझते हैं कि 1.2 का सेट लोएस्ट है, 1, 2, 3। तो 1.2 का जो सेट यहाँ पर बन रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो स्ट्रेट चेन है, जो चेन है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ अटैच्ड हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। एक तो ये CH3, एक तो ये दिख रहा है मुझे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, एक ये दिख रहा है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 1 पे और 2 पे। तो नाम लिखना है मुझे, और जब भी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं आप लोगों को पता है कि नाम इस तरह से लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ फॉलोड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Cl मतलब क्लोरो मतलब C पहले आता है, M बाद में आता है। तो 1 क्लोरो नाम क्या लिखूँगा, 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, और फिर चेन में कितने कार्बन, 3 3, को प्रोप कहते हैं। वर्ड रूट क्या है, प्रोप है। फिर सफिक्स की बात आएगी, तो सफिक्स 2 होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फिलहाल तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो एक ही सफिक्स है, कौन सा वाला, प्राइमरी, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रोप के साथ एन लगा रहा हूँ क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। इसी तरीके से जब इसका मुझे नाम लिखना हो तो देखो इनका कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी सेम होता है, ब्रोमो बेंजीन। अब 1 ब्रोमो बेंजीन बोलो तब भी ठीक, और सिर्फ ब्रोमो बेंजीन बोलो तब भी ठीक। क्यों, क्योंकि BR जिस भी पोजीशन पे होगा ना बेंजीन में, एक अगर है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो हमेशा ही ब्रोमो बेंजीन कहूँगा, हमेशा ही 1 कहूँगा। अब यहाँ पे ये 1 पोजीशन है और ये 3 है ना, ये 2 है, तो 1, 2, 3, तो 1.3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ देखना बच्चों, देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई कहे, अगर कोई मुझसे कह दे कि भाई ऐसा है, ये बताइए कि इसका नाम लिखना है, कोई मुझे कहे कि इसका नाम लिखना है, देखो इसका, तो मैं जानता हूँ ना यहाँ पे हाइड्रोजन है, मुझे पता है कि यहाँ पर है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में, 6 होते हैं, लो 6 हाइड्रोजन है, सारे आइडेंटिकल हैं। किसी भी हाइड्रोजन को हटाइए और Cl लगाइए, Br लगाइए या कोई भी हैलोजन एटम लगाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप किसी भी पोजीशन पे लगाइए, किसी भी पोजीशन पे, मान लो आपने यहाँ लगा दिया, तो यहीं से तो शुरू करूँगा ना नंबरिंग, यहीं से नंबरिंग शुरू करूँगा ताकि क्लोरीन वाला, ये जो कार्बन है जिस पे क्लोरीन अटैच्ड है, उसको पहला नंबर मिले, यही करूँगा ना। लेकिन अगर 2 क्लोरीन हो, तो सपोज़ 2 क्लोरीन हो, 2 क्लोरीन, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले, नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे कि मुझे लोएस्ट सेट मिले, मतलब पहला इसको कहेंगे और 4 इसको कहेंगे। नंबरिंग चाहे क्लॉकवाइज करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज करिए, इधर यू नंबर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी सब जानते हैं कि इस क्लोरो के रिस्पेक्ट में 2 वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, कौन सी, ये 6th वाली पोजीशन भी ऑर्थो है। 1 के रिस्पेक्ट में ये 2 और 6 दोनों ऑर्थो पोजीशन है, दोनों ही ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। इसलिए बता रहा हूँ आज फिर से, क्योंकि आज शुरुआत है, बाद में फिर दिक्कत होगी अगर ये नहीं मालूम होगा तो। ये है मेटा, ये मेटा इसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, ये भी मेटा, ठीक है बच्चे, ये मेटा है, दोनों दोनों ही मेटा। और ये वाली कौन सी है, 4th वाली, ये पैरा पोजीशन है, पैरा, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका कॉमन नेम बताइए, तो मैं लिखूँगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नाम लिखूँगा इसका, मैं इसका नाम लिखूँगा पैरा, पैरा मतलब पी
डाई क्लोरो बेंजीन लिख दूंगा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन लिख दूंगा बच्चे, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन मैंने लिख दिया। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आईपीएसी नेम बताओ, तब पैरा डाई क्लोरो बेंजीन नहीं लिखूंगा, तब क्या लिखूंगा, तब मैं न्यूमरल्स में लिखूंगा। न्यूमरल्स का मतलब है कहाँ कहाँ पे है क्लोरीन, वन पे और फोर पे, 1.4 डाई क्लोरो बेंजीन, 1.4 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 1.4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब ये बात तो आपको आईपीएससी सभी को आती ही थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दी, क्योंकि एग्जाम में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक नंबर का आ जाएगा, तो वो एक बार रिमाइंड करवा दिया। चलते हम वहीं जहां हम थे, लेट्स मूव टू द सेम एनसीईआरटी पीडीएफ, वहीं पहुंच गए हम जहां से हमने शुरू किया था। देखना आईयूपीएससी नेम आप कर लोगे, फिर भी किसी को कुछ भी दिक्कत आएगी आईयूपीएससी में, आई एम विद यू, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप कमेंट कर देना, मैं उसका आईयूपीएससी नेम बता दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि क्या वो बोर्ड में आने लायक है, बोर्ड में आने लायक है या नहीं। देखो जो भी इस क्लास को पढ़ रहा है या आगे भी इस वीडियो को देखेगा, वो एक बात समझ लो कि पिछले कई सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लगभग 14 ईयर्स से, और अभी इतना आइडिया आ गया कि क्या एग्ज़ाम में आता है और क्या नहीं आता है। एग्ज़ाम के बाद दोबारा इस वीडियो को देखना और देखना जिन जिन बातों पे फोकस किया था ना, उन बातों से कुछ फ़र्क पड़ा, एग्ज़ाम में कुछ आया या नहीं आया, यू कैन कंपेयर लेटर ऑन। अच्छा, जैसे कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसकी भी बात कर दूं, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये फोर के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे इसी तरीके से फोर के बाद ये TERT क्या लिखा है, तो इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ साथ साथ। अगर ये 4-tertiary-butyl-3-iodoheptane इसका स्ट्रक्चर बनाना है, देखो CBSE का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी उठा के जो सबको आसान लगते हैं, सबको लगते हैं तो कर ही देंगे, इसको मैं देखूंगा, मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बच्चों का है, बच्चों का खेल है। लेकिन यही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में करते हैं परेशान, तो देखना मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, थर्ड पार्ट 10.1 का इंटेक्स क्वेश्चन। ओके ओके, मुझे बताइए कि क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, आवाज गूंज रही है, समबडी इज राइटिंग, आवाज गूंज रही है। अच्छा एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, ओके, प्रियांशु चौहान, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है, आई एम लुकिंग एट इट। ओके ठीक है बच्चे, अब बताना अब आवाज़ गूंज रही है कि नहीं, अब गूंज रही है क्या, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ ये चैप्टर अभी फिनिश करवा दूंगा मैं, सिर्फ असल में उसी की बात करूंगा जो एग्जाम में आना आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आता है एग्जाम में। ठीक है, तो जरा देखना 4-TERT का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं, TERT का मतलब है टर्शरी, TERT का मतलब है बच्चों टर्शरी, टर्शरी है इसका मतलब। अभी टर्शरी का मतलब क्या होता है, टर्शरी का, तो टर्शरी का मतलब क्या होता है, तो देखिए टर्शरी का मतलब होता है, अगर मेरे पास टर्शरी, 4-tertiary-butyl लिखा था और हेप्टेन लिखा था, हेप्टेन, तो पहले तो मैं हेप्टेन बना लेता हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ हेप्टेन। लो मैंने हेप्टेन बना लिया, 7 कार्बन एटम्स लगा दिए, मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4। उन्होंने कहा 4 पे टर्शरी है, टर्शरी मतलब 4 पे जो कार्बन है वो खुद 3 कार्बन से अटैच्ड है, 4 पे जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन एटम से है। ठीक है, तो लो 3 कार्बन एटम से अटैच कर लिया, 3 कार्बन एटम से उसको अटैच कर लिया, और टोटल कार्बन कितने होने हैं, 4 होने हैं, ब्यूटाइल होना है, तो ये ब्यूटाइल बन गया। देखो 1, 2, 3, 4,
तो फोर पे टर्शरी ब्यूटाइल और बाकी सेवन कार्बन है, तो ये हेप्टेन हो जाएगा। यहीं पे बता दूं कि सेकेंडरी का मतलब क्या है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि सेकेंडरी का मतलब क्या है बच्चों, वो भी देख लो। सेकेंडरी का मतलब क्या है, तो लो सेकेंडरी का मतलब देखते हैं। सेकेंडरी का मतलब है कि अगर मुझसे कोई कहता कि वही है हेप्टेन है, हेप्टेन कोई कह दे कि हेप्टेन है, और फोर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, फोर नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, फोर नंबर पे, इसका मतलब फोर नंबर पे जो कार्बन अटैच्ड है ना, ये खुद कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ दो कार्बन से, सिर्फ दो कार्बन से। फोर्थ नंबर पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है ये वाला, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये दो कार्बन से है, पर ये तो ब्यूटाइल नहीं हुआ। फोर पे सेकेंडरी तो हो गया पर ब्यूटाइल नहीं हुआ, ब्यूटाइल कैसे बनाऊं, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कार्बन तो ये तो टर्शरी बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं कि इधर एक कार्बन और लगा देंगे, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। उम्मीद है जिन्हें नहीं पता था या जिनको जो भूल गए थे उनको भी याद आ गया होगा। वापस चलते हैं वहीं जहां हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए यहां, वापस वहीं आ रहे हैं, देखना। अब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना देखना देखना। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में हमको जानना है कि सी एक्स बॉन्ड असल में ये है, और सी एक्स की एक्स की जगह मैं सी एल ले लेता हूँ, आप बी आर ले लो, आप आई ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि सी और सी एल बॉन्ड कैसा नेचर है, तो ऑब्वियसली आप लोग ये जानते हैं कि सी एल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा उधर खिसक जाएंगे, है ना, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, मतलब सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा, पोलर। सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है नेचर में, पोलर होता है। सी एक्स बॉन्ड नेचर में कैसा होता है, पोलर। और इस लाइन पे आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी पे इन्होंने लिखा है कि एल्काइल हैलाइड होते हैं पोलर, पोलराइज्ड होता है, और यही रीज़न है। देखो ये बनाया है ना, एक्स पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जो याद रखने लायक बात है वो ये है, देखो कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है ना वो सी एफ से सी आई की तरफ बढ़ती है। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है वो जैसे जैसे सी एफ से सी बी आर की तरफ आते हो, सी बी आर से सी आई की तरफ आते हो, तो वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन पे आओ, क्लोरीन से आयोडीन पे, इस तरह से क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, तो इसलिए बढ़ रही है। लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ लिखा है देखो, स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम जो है वो लार्जेस्ट है। जो एटम का साइज है ना, फ्लोरीन से क्लोरीन में आओगे तो बढ़ेगा एटम का साइज, क्लोरीन से ब्रोमीन में आओगे और बढ़ेगा, और ब्रोमीन से आयोडीन में आओगे तो और बढ़ जाएगा। फिर देखना, इसके बाद देखना और क्या, देखो यहाँ पर इन्होंने डिटेल पूरी वैल्यू दी है, वैल्यू देखिए बच्चों, वैल्यू देखिए। सी एफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और सी आई की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ऐसे करके इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर। देखो ये डाटा एनसीईआरटी का है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी, तो सब लोग समझते हैं कि जो सी आई बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट है। अगर कोई कहे कि सी एफ बॉन्ड इतना, सी क्लोरीन इतना, सी बी आर इतना, बॉन्ड लेंथ है ये और ये सी आई बॉन्ड, तो अगर सी आई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, सॉरी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ देख लो, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखना इंक्रीज ऊपर की तरफ जाने पर इंक्रीज कर रहा है, या यूं कहूं सी एफ से सी आई की तरफ जब जाऊंगा तो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी कम लगती है। और इसका कहाँ यूज है अभी आगे देखना, जब भी मुझे स्पीड बतानी होगी ना रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताना होगा, तब तब मैं ये कहने वाला हूँ कि सी आई या
एच आई फास्ट करेगा रिएक्शन, क्यों करेगा वो सामने अभी हमने लिखा, हमने देखा। चलते हैं बच्चों आगे, आगे बात करते हैं, देखना। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो पहला ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना फ्रॉम एल्कोहल्स, ये बहुत काम का है। जो पहला ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, ये बहुत काम का है फ्रॉम एल्कोहल्स। और इस एल्कोहल्स में बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या क्या रखनी है जरा वो समझना। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आर ओ एच की रिएक्शन जब एच एक्स से करूँगा तो एच टू ओ हट जाएगा, है ना, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और अगर आपको ठीक से ध्यान हो तो लुकस टेस्ट भी यही है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, लुकस टेस्ट में भी तो यही करते थे, आर ओ एच प्लस एच एक्स, एच एक्स, और यहाँ से क्या हट जाता था, यहाँ से एलिमिनेट क्या हो जाता था, एच टू ओ हो जाता था, एच टू ओ। और बनता क्या है, तो यहाँ से बनता है आर एक्स, क्या बनता है, आर एक्स और प्लस एच टू ओ, यही तो बनता है। और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे हम क्या लिखते थे, लुकस रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl लेते थे, वही है यहाँ पर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और साथ में क्या लेते थे, HCl। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, वो क्या है कि अगर आपने एल्कोहल प्राइमरी लिया, वन डिग्री एल्कोहल लिया, अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ये वन डिग्री एल्कोहल क्या है, तो जैसे अभी अभी देखा था एल्काइल हैलाइड को वन डिग्री देखा था, ऐसे ही वन डिग्री एल्कोहल होते हैं, मतलब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन खुद अगर एक कार्बन से अटैच्ड हो, वन कार्बन से, तो इसको वन डिग्री एल्कोहल कह देंगे, ठीक है। तो जो वन डिग्री एल्कोहल होते हैं या टू डिग्री एल्कोहल होते हैं उनमें तो ZnCl2 की ज़रूरत पड़ती है, थ्री डिग्री वाले में ज़रूरत नहीं पड़ती, थ्री डिग्री वाले में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्री डिग्री वाला एल्कोहल है ना उसका रेट ज़्यादा है। अगर हैलोजन एसिड मतलब HX में सेम लूँ, मान लेते हैं कि मेरे से कोई कहे कि HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी प्राइमरी एल्कोहल में भी, सेकेंडरी एल्कोहल में भी और टर्शरी में भी, तो फास्ट कौन होगा, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, तो देखना स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, देखिए स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, तो देखना बच्चों स्पीड किसकी होगी ज़्यादा, तो स्पीड ज़्यादा होने वाली है, ये लिखा है देखो, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ये लिखा है देखो, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद ए गिवन हैलोजन एसिड, हेलो एसिड अगर गिवन हो तो थ्री डिग्री वाला फास्ट करेगा, फास्टेस्ट होगा, टू डिग्री वाला थोड़ा स्लो करेगा और वन डिग्री वाला सबसे तेज रिएक्शन करने वाला है। और क्या ध्यान रखना है इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन बहुत काम की है, बहुत काम की, ये वाली इक्वेशन तो सब लोगों को अच्छे से करनी है, ये बहुत काम की है, जब भी कन्वर्जन आएगा, जब भी व्हाट हैपन्स व्हेन आएगा, ये इक्वेशन बड़े काम की आने वाली है। क्या होता है देखो, आर ओ एच की रिएक्शन अगर आपने थायोनिल क्लोराइड से कर दी, मतलब SOCl2 से कर दी, अगर कर दी ये रिएक्शन, तो एक तो बन जाएगा RCl, दूसरा बनेगा SO2 और एक बनेगा HCl। अच्छा, कभी कभी वो गिव रीजन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन में यहीं से पूछ लेते हैं, पता है क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो ये SOCl2 वाला जो मेथड है, वाई इट इज़ प्रेफर्ड, ये बेस्ट क्यों है, ये बेहतर क्यों है, तो हम कहेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बाकी के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, दो प्रोडक्ट वो गैस हैं, बाकी के दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो गैस हैं। अब आप कह रहे होंगे गैस हैं तो क्या, गैस हैं, अगर गैस हैं तो दे कैन एस्केप, एस्केपेबल गैस हैं, और अगर वो एस्केप कर जाएंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, RCl, मतलब प्योर हेलो एल्केन मिलेंगे, प्योर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसमें, और ध्यान रखना है ये PCl5 वाली इक्वेशन, PCl5 वाली क्यों याद रखनी है, क्योंकि यही हम अभी आगे जाकर एल्कोहल में भी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ेंगे, सेम इक्वेशन, ये PH3 वाली भी, कुछ नहीं करना है इसमें, PCl5 से किया है तो वहाँ मिल जाएगा Cl, और अगर PCl3 से किया है तो वहाँ OH की जगह Cl लगाना है। फिर से दोहराता हूँ, अगर ROH की रिएक्शन आपसे कोई कह दे
चाहे PCL 5 से कह दे, चाहे PCL 5 से या कह दे PCL 3 से, हमें तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है, जहाँ OH है बस वहाँ CL लगाना है, बस यही यही अपने काम की बात है। एक और बात ध्यान रखना कि ये जो रेड फॉस्फोरस और X2 लिखा है ना, रेड फॉस्फोरस, तो अगर आपको कभी PCL, PBr3 और Pi3 से रिएक्शन करवानी हो, सुनना बच्चों सुनना, अगर आपको कभी PBr3 और Pi3 से रिएक्शन करवानी है, तो एक बात जो सबको ध्यान में रखनी है कि दे आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इन सीतु लिखा होगा, इसको लिखते हैं दे आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों बनाते हैं इनको रिएक्शन के दौरान, क्यों बनाते हैं, इसलिए क्योंकि दे आर हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हैं तो पहले से बनाकर स्टोर कर नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसमें जितनी बातें की वो सारी बातें बड़ी काम की हैं, सारी इम्पॉर्टेंट हैं, सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं इससे आगे। अच्छा, इसमें ये देखो यही लिखा है, एक बात और लिखी है इसमें कि जो RI है ना, RI मुझे अगर बनाना हो तो मैं HI से रिएक्शन कर दूंगा, जैसे कि पहले में देखा हमने HX से रिएक्शन करते हैं ना, तो HI से कर दूंगा। क्या और तरीका भी है कोई, क्या कोई और तरीका भी है? तो हाँ है, है। HI का मतलब होता है असल में KI प्लस H3PO4, मतलब ये है इसका कि अगर कोई मुझे कहता है, देखना बच्चों, अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे KI से रिएक्शन, KI की H3PO4 से रिएक्शन करनी है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तब भी वही बनने वाला है, देखना, तब भी वही बन जाएगा KI प्लस H3PO4, और इन दोनों की रिएक्शन से बन क्या रहा है, KI प्लस H3PO4, और यहाँ से बन रहा है असल में एक तो HI, यही तो चाहिए, HI ही तो चाहिए हमको, और साथ में क्या बन रहा है, KH2PO4, KI मतलब HI प्लस KH2PO4, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अगर कोई कभी ये लिख दे ना KI प्लस H3PO4, तो उसका मतलब वही है HI, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, आगे इसके बाद देखना, हम बढ़ते हैं आगे। मैं ये कह रहा था असल में कि अगर कभी लिखा हो KI प्लस H3PO4, KI प्लस H3PO4 लिखा है, वी डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब होता है कि HI, इसका मतलब है HI प्लस KH2PO4, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है इक्वेशन में? तो आंसर है नहीं। अगर कोई मुझे ये इक्वेशन लिख कर दे दे, अगर किसी ने ये इक्वेशन लिख के दे दी, देखो ROH लिखा हो और उसके बाद एरो के ऊपर लिखा हो KI प्लस H3PO4, KI प्लस H3PO4, लेकिन हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें तो ये समझ में आ गया कि HI से रिएक्शन करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं HI से, तो मैं तो RI बनाऊंगा, RI, बस ये बता रहा था मैं, RI बनाना है। इसी तरीके से अगर कोई लिख दे ROH और साथ में लिख दे NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, तो इसको क्या समझूं, इसको क्या समझूं? तो इसकी जगह मुझे समझना है कि HBr लिखा है, HBr, इसकी जगह मुझे ये देखना है कि HBr लिखा हुआ है, मतलब मैं तो बनाने वाला हूँ RBr, बस इतनी बात सबको जाननी है, इतनी सी बातें। और अब मैं इससे बढ़ रहा हूँ आगे, देखना, वापस वहीं आ रहा हूँ जहाँ हमें होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, अब देखिए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एक क्वेश्चन है NCERT में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये लिखा है, इन्होंने लिखा है देखो कि डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स, ठीक है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझसे कह दे कि क्या ये अच्छा मेथड है, नहीं है अच्छा, ये बेकार मेथड है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कभी सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, हीट में क्लोरीनेशन कर दिया,
तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर। और मिक्सचर को सेपरेट कौन करेगा? सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाला मेथड अवॉइड करना अगर मुमकिन हो तो, इसको करेंगे अवॉइड। ओके, अब देखिए, इसके बाद देखिए हम चलते हैं आगे। सेंड ये इलेक्ट्रोफिलिक वाला, इलेक्ट्रोफिलिक वाला क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो वैसे ही रिएक्शन है जैसे कि हमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ी थी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्या होता है उसमें कि ये जो CH3 है, ये जो CH3 है कैसा है, ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, पैरा डायरेक्टर। अच्छा, कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर भी X2 लिखा है, बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग के साथ X2 लिखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन करना है या फ्री रेडिकल वाला सब्सटीट्यूशन करना है जो इससे पहले किया, ये भी कन्फ्यूज़न है कुछ लोगों का। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये देखना है कि एरो के ऊपर क्या लिखा है। ये लिखा है डार्क, सनलाइट नहीं है, नो सनलाइट। अगर सनलाइट लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो, तब तो वही करेंगे फ्री रेडिकल वाला, मतलब उस कंडीशन में हम फ्री रेडिकल वाला करने वाले हैं। और जबकि इस कंडीशन में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, मतलब अगर यहाँ पे सनलाइट लिखा होता तो Cl तो आता, अगर यहाँ पे Cl2 लिखा है तो Cl तो आएगा, पर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे, बेंजीन रिंग में आएगा, नहीं, बाहर CH3 वाले कार्बन पे, CH3 वाले कार्बन पे आएगा। ये बात रखना ध्यान, ध्यान में रखना इसको। अच्छा, इसके बाद देखना अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैंडमेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये किससे शुरू होती है, शुरू होती है वैसे ये इससे, डायजोनियम से, डायजोनियम सॉल्ट से, और बनता क्या है, हेलोएरीन बन जाता है, हेलोएरीन। इन्होंने यहाँ पे दो इक्वेशन दी है, ऊपर वाली को कहते हैं डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन कहते हैं, नेम रिएक्शन है। उम्मीद है आपको पता है कि एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन ज़रूर आती है, ज़रूर, वन वे और दी अदर, बट इट इज़ ऑलवेज डास्ट। और ये जो दूसरा लिखा है ना, ये सैंडमेयर है, ये वाली सैंडमेयर है, सैंडमेयर, ठीक है, ये है सैंडमेयर दूसरी वाली। सभी को मालूम है अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कर दूँ ना, या क्यूप्रस हैलाइड से कर दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr, तो मुझे हेलो एरीन मिल जाएगा। अब देखना इसके बाद, इम्पॉर्टेंट है लेकिन इक्वेशन, इसके बाद ये वाली इक्वेशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, डायजोनियम सॉल्ट को सिंपली KI के साथ शेक कर दो, आयोडो आ जाएगा। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो हेलो एल्केन तो बना ही रहे हैं, साथ में हेलो एरीन भी बना रहे हैं। ये अकेला ऐसा मेथड है जहाँ आई आया, फिर से दोहराता हूँ, ये अकेला ऐसा मेथड है जहाँ आई आया। अभी जब आप अमाइंस पढ़ेंगे, जब मैं आपको अमाइंस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ भी देखेंगे कि इसी तरीके से डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन लिखेंगे KI के साथ। यही है वो इक्वेशन जो वहाँ पढ़ी या पढ़नी है हमको। अब इसके बाद ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये जो आगे लिखा है फ्रॉम एल्कीन्स, तो ये है मार्कोवनिकोव भाई, ये है मार्कोवनिकोव, मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, ये कौन सा है, ये है मार्कोवनिकोव वाला एडिशन, मार्कोवनिकोव। अब मार्कोवनिकोव ने क्या कहा था, तो बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो मार्कोवनिकोव ने ये कहा कि जब भी कोई हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HBr, HCl, HI अटैच होगा डबल बॉन्ड पे या अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे, तो जो पॉजिटिव पार्ट है ये है वो H, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे। फिलहाल तो दोनों पे सेम ही लग रहा है, लेकिन यहाँ देखना इस वाले में, ये प्रोपीन है, प्रोपीन में देखिएगा पॉजिटिव पार्ट किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, इस वाले पे, क्यों, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट, ये जाएगा वहाँ जिस कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद जो बता रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, देखो सुनो और समझो।
ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ना, रेडिश ब्राउन कलर किसका? ब्रोमीन का। ब्रोमीन का है रेडिश ब्राउन कलर। कैसा कलर है बच्चों? रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन। ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का, CCl4 में रेडिश ब्राउन कलर की होती है ब्रोमीन, वो डीकलराइज अगर हो जाए, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अगर कभी कोई ये कह दे कि रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है CCl4 में, वो डीकलराइज हो गया, मतलब वो गायब हो गया, मतलब वो उड़ गया, तो इसका मतलब आपने ब्रोमीन की रिएक्शन जिससे करवाई वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है ये, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। होगा कैसे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन? कैसे करेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट? तो ऐसे करेंगे कि अगर कभी किसी कंपाउंड में आपने ब्रोमीन इन CCl4 ऐड किया और ब्रोमीन का जो कलर है रेडिश ब्राउन वो डीकलराइज हो जाए, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो क्या है, वो होगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ये अनसेचुरेटेड का था। अभी इन क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा, ये इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। एक बात मेरी समझ लो, ऑर्गेनिक में सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, ऑर्गेनिक में सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा। ये क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन कर लेना, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, अनसॉल्व हो, चाहे वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो। जैसे इसमें क्या लिखा है, देखो ये इक्वेशन मुझे कंप्लीट करनी है, तो पॉजिटिव पार्ट H क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट है, वो किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है, और Br कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो ये प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया, देख रहे हो, सॉल्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही परोक्साइड अगर लिखा हो, परोक्साइड अगर लिखा हो तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव या परोक्साइड इफेक्ट। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर कभी परोक्साइड लिखाओ और HBr लिखाओ, तो जो मार्कोवनिकोव ने कहा था उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मार्कोवनिकोव ने क्या कहा, मार्कोवनिकोव ने कहा कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसपे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ उसका उल्टा होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो देख लो, H को कहाँ जाना चाहिए था, CH2 पे, पर जाएगा कहाँ, इस कार्बन पे, और Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देख लो, अच्छा सॉरी ये थर्ड है, ये बनेगा भाई, ये बनेगा, ये बन जाएगा, Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा या पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन पहले से ही कम है। मुझे पहले तो ये बताइए प्लीज़ चैट बॉक्स में, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्या इतनी बात बच्चों बताना, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बताना बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ओके ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और, देखना कुछ और बात करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट। हैलोजन एक्सचेंज, इसमें एक नेम रिएक्शन है, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत काम की है बच्चे, फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत काम की है, फिंकलस्टीन ये रिएक्शन बहुत काम की है। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें होगा क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला अगर हेलो एल्केन हो, क्लोरो एल्केन हो या ब्रोमो एल्केन हो, वो आयोडो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इससे पहले आपने एक इक्वेशन देखी थी ना जिसमें आयोडीन आया था बेंजीन रिंग पे, ये दूसरी इक्वेशन है जिसमें आयोडीन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, आर एक्स अगर हमारे पास है, एक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन और सिर्फ क्लोरीन है, उसकी रिएक्शन अगर मैं NaI से करवाता हूँ, NaI से, तो और जैसे ही NaI से करवाएंगे हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, और क्या बनेगा वहाँ से, RI बनेगा और साथ में Na
बी आर होगा तो बी आर और सी एल होगा तो सी एल बन जाएगा। बस यही हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अच्छा, हैलोजन एक्सचेंज में एक और नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स। ये सब एन सी आर टी में बच्चों, ये सब एन सी आर टी में स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, दूसरी जो काम की इक्वेशन है वो स्वार्ट्स है, वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है देखना, स्वार्ट्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आयोडीन नहीं आता बल्कि फ्लोरीन आता है। मतलब अगर आपने आर एक्स की रिएक्शन, एक्स का मतलब यहाँ पर फिर से ब्रोमीन या क्लोरीन है, अगर आपने कर दिया इसको इसकी रिएक्शन ए जी एफ से या सी ओ एफ टू से या एच जी टू एफ टू से, इनमें से किसी से भी करोगे तो हैलोजन फिर से एक्सचेंज हो जाएगा। हैलोजन हो गया एक्सचेंज, एक्स कुड बी क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद देखना, इसके बाद देखिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जल्द, हो सकता है कि कल मैं इन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। वैसे आप करके देख लेना, जहां भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताना। जैसे मैं इसी की बात कर देता हूँ, देखो लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाली, तो सभी को देख के मालूम चल रहा होगा यहाँ आयोडीन आ जाएगा और यहाँ बी आर चला जाएगा, मतलब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ऐसी आप इसकी बात करिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं हम डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो मार्कोवनिकोव का रूल लगेगा, इस पे एक हाइड्रोजन पहले से है ना, तो H यहीं चला जाएगा इस कार्बन पे और जो I है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से SOCl2 वाली देखेंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा OH की जगह, OH की जगह Cl आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी वही एल्कोहल, ये वही तो रिएक्शन है, ROH प्लस HCl प्लस HCl, तो H2 हटना है और Cl आना है। पर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि OH तो यहाँ भी लिखा है, OH यहाँ भी लिखा है, कौन सा OH हटा के Cl लगाऊँ, कौन सा OH हटाऊँ, तो वो OH हटाएंगे वो OH जो कार्बन के साथ वीक, थोड़ा कम वीक बॉन्ड, थोड़ा कम हल्का बॉन्ड बनाता हो, वीक बॉन्ड बनाता हो, वो कौन सा है। ये तो भाई कार्बन और OH के बीच बॉन्ड है, ये भी कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड है, पर ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। ओके, तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा ये OH, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl, बस ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करोगे तो मज़ा आ जाएगा, एक इस क्वेश्चन में बहुत आनंद आएगा और एक इस क्वेश्चन में बहुत आनंद आएगा, दोनों को ज़रा देख लेते हैं, देखना दोनों क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को देखिए, इस वाले को भी और इस वाले को भी। यहाँ पर हीट लिखा है, यूवी लाइट लिखा है, यूवी लाइट मतलब सनलाइट, जब भी सनलाइट लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो, तो मैंने आपको कहा था ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल कहाँ पे बनेगा, कौन सा हाइड्रोजन मुझे हटाना है, तो मुझे ये वाला हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे लिखूँगा NO2 मैंने लिखा और यहाँ लिखूँगा मैं CH। ठीक है, और इसमें क्या लिख दूँगा, इसमें लिख दूँगा BR, लो BR लिख दिया और आगे लिख दूँगा CH3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ही हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उस तरह से जो फ्री रेडिकल बनेगा ना, बेंजाइलिक वाला फ्री रेडिकल, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जरा दिमाग लगाइए, ये भी वैसा ही है, ऊपर वहाँ भी यूवी लाइट, यहाँ भी यूवी लाइट, सेम ही है, तो क्या बनेगा, तो कौन सा, अगर ये वाला हाइड्रोजन होमोलिटिक फिशन में जाए या ये वाला जाए, देखो एक तो ये वाली कैटेगरी है, एक ये वाली कैटेगरी है ना, और ये वाला तो सेम ही है, तो कौन सा हाइड्रोजन अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए होमोलिटिकली, तो फ्री रेडिकल स्टेबल कहाँ पे बनेगा, बस ये सोचना होता है। और इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है कि इस वाले जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, अगर ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाए तो यहाँ से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो देखो यूँ बनेगा, ये बनेगा फ्री रेडिकल, ये बनेगा फ्री रेडिकल, तो
तो क्या ये स्टेबलाइज्ड है? तो आंसर है यस। देखो ऐसे करके और ऐसे करके होमोलिटिक फिशन होगा। अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। अगर समझे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखना, इसका आंसर देखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका यहाँ बी आर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, डबल बॉन्ड जैसा था और ऐसा ही रहेगा, यहाँ बी आर आ जाएगा। क्यों आ रहा है यहाँ पे बी आर? अगर ये समझना चाहते हो कि यहाँ पे बी आर क्यों आ रहा है तो ज़रा देखना, समझिएगा कि बी आर यहाँ पर क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है यहाँ पर बी आर क्योंकि ये मैंने लिखा, देखना ये था वो डबल बॉन्ड। मैं एक बात तो जानता हूँ, एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी होमोलिटिक फिशन इस वाले सी एच बॉन्ड का भी हो सकता है, इस सी एच बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिशन हो सकता है, दोनों का हो सकता है। मैं दोनों का होमोलिटिक फिशन कर लेता हूँ, मुझे क्या पता। हम लोग तो दोनों का होमोलिटिक फिशन कर देते हैं, जो बन जाए जो बन जाए। देखो तो यहाँ से जो होमोलिटिक फिशन में बना पहले वाले में, पहले वाले बॉन्ड का अगर होमोलिटिक फिशन हो गया, इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा फ्री रेडिकल, एक तो ये फ्री रेडिकल। और अगर इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हुआ तो क्या बनेगा? तो बनेगा यहाँ तो हाइड्रोजन एज सच रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बनेगा। अब दोनों ही फ्री रेडिकल हैं, हाँ दोनों ही फ्री रेडिकल हैं, पर दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखना देखना कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखिएगा दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन। तो एक तो ये बनाया था मैंने, एक तो ये बनाया एक, तो ये भी फ्री रेडिकल। और एक मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, देखना एक मैंने ये बनाया, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। इसमें जो हाइड्रोजन था वो ऐसा ही है और इसमें जो ये हाइड्रोजन था ये एस एच। कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ऊपर वाला मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्यों है ये ज़्यादा स्टेबल? तो देखना ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है ऊपर वाला? क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखना ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब अगर इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हो जाए, हो गया होमोलिटिक फिशन, तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा, देखो ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो सब लोग, ये बन जाएगा। और इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है देखिए उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड भी यहाँ और ये बॉन्ड भी यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। और इस तरीके से जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वो जो ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल मैंने फ्री रेडिकल कहा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उस वाले में जो अभी देखा था हमने, वहाँ पर पहले ये बनेगा फ्री रेडिकल, फिर वो जो ब्रोमीन था ना, अगर आपको ध्यान हो तो बी आर टू से रिएक्शन हो रही थी, बी आर टू से रिएक्शन हो रही थी, फिर वहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में भी होमोलिटिक फिशन हुआ और जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना वो जाकर वहाँ अटैच हो गया। और जो एच बना था, जो एक हाइड्रोजन बना था ना फ्री रेडिकल, वो इस बी आर फ्री रेडिकल के साथ, जो एक बी आर फ्री रेडिकल बना बचा है उसके साथ वो एच बी आर बना लेगा, ऐसे वो हो जाना था। तो उम्मीद है इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई। प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स, क्या इतना सबको समझ में आया है? बताना बच्चों, ओके ओके गुड। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करते हैं फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि
आज पहला दिन है तो धीरे धीरे थोड़ी आदत पड़ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की ना मुझे आदत है, मैं भी आई एम नॉट हैबिचुअल कि मैं भी बिल्कुल मैराथन में आ जाऊँ, और आप भी हैबिचुअल नहीं है, पता नहीं आप हैं कि नहीं, बट आई एम नॉट, बट धीरे धीरे वी विल डू दिस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल भी आइएगा सेम टाइम में पढ़ेंगे, और बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि वो सारे हर तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बिल्कुल करवाऊँगा वैभव जुयाल, क्वेश्चन भी करवाऊँगा, क्वेश्चन भी करवाऊँगा। 6:30 है टाइम, टाइम है बच्चों 6:30, कल भी 6:30 पे ही आने वाला हूँ, सेम टाइम 6:30।